अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। आसिफ हमने अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल मई जून का महीना है, शदीद गर्मी के दिन है। तो आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि गर्मी का तोड़ का शरबत आपको बताऊं, ताकि जिन लोगों को गर्मी की शिकायत है, मेदे में गर्मी है या जिगर में गर्मी है, या गर्मी की वजह से हाथ पाँव में जलन होती है, तो ये नुस्खा मेदे और जिगर की गर्मी के लिए है। और इसके साथ सफरावी अमराज जो है उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से हाथ पाँव में जलन हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। सूरत इंजाल है, इतलाम या जरियान का मसला हो गया है, मतलब के मसाने में गर्मी की शिकायत है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। अंतड़ियों के गुदी अमराज और जरकान, चाहे काला है या पीला है, उसको भी ये फायदा देगा। ये शरबत जो है क्योंकि मुसक्कन है, इसलिए इसके इस्तेमाल से अगर आपको खूनी बवासीर है या खुदा न खास्ता खूनी पेचिस आपको लगे हुए हैं, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह खूनी पेचिस भी ठीक होंगे। अगर किसी दोस्त को खूनी पेचिस का मसला है या खूनी बवासीर है, ये नुस्खा चूँकि मुसक्कन है, इस वजह से खूनी बवासीर को भी फायदा देगा और खूनी पेचिस को भी ये फायदा देगा। मेदे जिगर में जब गर्मी हो जाती है तो उसकी वजह से हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, पाँव के तलवे जो है उससे जो है ना वो गर्मी महसूस होती है, सेक निकलता है, पाँव में पसीना आना शुरू हो जाता है, गर्मी की वजह से टांगों में बेचैनी, गर्मी का बुखार भी हो जाए, तो भी ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है, सिर्फ चार पांच चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप इस्तेमाल करेंगे तो मेदे जिगर की किसी किस्म की गर्मी होगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। भूख अगर नहीं लगती तो भूख भी लगना शुरू हो जाएगी, जिस्म को खुराक नहीं लगती तो खुराक भी लगना शुरू हो जाएगी। ये नुस्खा ठंडक का खजाना, इसको हम कह सकते हैं। इतना आपके जिगर मैदे को ऐसे साफ कर देगा शीशे की तरह। और इसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया है, जिन दोस्तों को गर्मी की वजह से सूरत इंजाल का मसला है या जरियान का मसला है, गर्मी की वजह से मर्दाना कुव्वत में फ़र्क आ गया है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी और भरपूर जवानी लौट के आएगी, जिस्म आशाश वशाश और ताकतवर हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा ये हैं: तुखम बलंगू 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम, तुखम रेहान 50 ग्राम। ये तीन चीज़ें आपने अलग अलग पीस लेनी है, अलग अलग पीस के आपने इनको अलग से ही रख लेना है। अब आपने इसमें छिलका इसबगोल जो है वो भी 50 ग्राम शामिल करना है। इन चार चीज़ों को आपने मिक्स करना है। छिलका इसबगोल जो है इसको आपने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने से इसकी तासीर बदल जाती है। बाकी जो पहले तीन चीज़ें हैं, गोंद कतीरा है, तुखम बलंगू है और तुखम रेहान है, तो ये आपने चीज़ें ग्राइंड कर लेनी है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसमें छिलका इसबगोल शामिल करना है। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने रात को मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर नहीं तो फिर आप किसी भी बर्तन में रात को 2 चम्मच पानी में भिगो के रख देना है, ढक्कन बंद करके आपने रख देना है। सुबह खाली पेट निहार मुंह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें आपने 1 या 2 चम्मच शक्कर डाल लेनी है। शक्कर डालने से आपका बहुत ज़बरदस्त मशरूब बन जाएगा। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने के बाद
आपने वो शरबत जो बना ये आपने पी लेना है, मगर पीना आपने सुबह निहार मुंह है, कम से कम 1.5-2 घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। ये आपने सिर्फ सुबह निहार मुंह एक टाइम इस्तेमाल करना है, एक हफ्ता इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके हाथ पाँव में जो जलन हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। गर्मी की वजह से सूरत इंजार का मसला, जरियान का या इतलाम का मसला वो भी ठीक हो जाएगा, जिसम हशाश पशाश और हल्का फुल्का महसूस होगा। गर्मी की वजह से आपको भूख नहीं लगती या गर्मी की वजह से जिगर खून नहीं बना रहा, तो इंशाल्लाह इतना जबरदस्त खून पैदा होगा और इतनी ज्यादा मिकदार में खून पैदा होगा कि आपकी रंगत जो है ना वो सुर्ख हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, आसान सा नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब आप लोगों का भी हक बनता है कि हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जो हमारे नए दोस्त हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले दोस्तों को मिल सके। दोस्तों जाना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।